वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज के इस मैटलैब के वीडियो में देखेंगे हाउ टू परफॉर्म ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन जैसे नाम है, ऑटो का मतलब होता है सेम वैल्यू के साथ कोरिलेशन करना, तो इसलिए इसका नाम हो गया ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर रखा है जिसका नाम a1.m रखा है। .m का मतलब है मैटलैब फाइल है, या इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। तो चलिए इसके अंदर ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं। तो सपोज x ले लेते हैं, x के अंदर जो वैल्यूज़ है वो 1, 2, 3 एंड 4 सबको स्पेस के साथ दे देंगे, या 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास सिंगल रो के अंदर चार वैल्यूज़ आ चुकी हैं, चार वैल्यू है 1, 2, 3, 4। अब इस पे मुझे कोरिलेशन परफॉर्म करना है, कोरिलेशन इन द फॉर्म ऑटो कोरिलेशन, जिसके अंदर x के साथ x का ही कोरिलेशन होता है, उस टाइप को कोरिलेशन को बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो चलिए सबसे पहले इसको एक बार प्लॉट करके रख लेते हैं, ताकि जब डिफरेंशिएशन करें कोरिलेशन के बाद तो हमें ग्राफिकली अच्छा व्यू हो और उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो चलिए मैं इसको एक सब प्लॉट कमांड से प्लॉट करके रख देता हूँ। 3 रोज़ ले लेता हूँ, 1 कॉलम पहली पोजीशन पे। अब सिंस ये हमने वैल्यूज़ लिए है वो 1, 2, 3 है, यानी डायरेक्ट कॉन्स्टेंट है, तो प्लॉट की जगह हम स्टेम कमांड यूज़ में लेंगे, स्टेम एक्स कर देते हैं। स्टेम एक्स करने से एक्स की वैल्यू प्लॉट हो जाएगी। अब सेकंड हमें इसका कोरिलेशन परफॉर्म करना है, तो कोरिलेशन परफॉर्म करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है XCORR, यानी कोरिलेशन विद सेम वैल्यू। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो डिपेंड करेगा कि सेम है या डिफरेंट है। तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दूँ, एक्स का कोरिलेशन किसके साथ करना है, अगर एक्स के साथ ही करना है तो इसे बोल देंगे ऑटो कोरिलेशन। तो ये कमांड है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का, इसको कमेंट के अंदर लिख दिया है ऑटो कोरिलेशन के लिए, ठीक है। अब इसको प्लॉट करके देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले सब प्लॉट कमांड लगा देते हैं। यहाँ 3 रोज़ ले लिया है, तो 3 रोज़ के अंदर पहला कॉलम और दूसरे पोजिशन पर हमें ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए हम 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू तो चाहिए नहीं। एक तो हमने ये वैल्यू ली और इसके साथ इसी का कोरिलेशन कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 2 ही ले लेते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं प्लॉट करने के बाद। तो प्लॉट के लिए कमांड हमने ले लिया स्टेम, वाई कर देते हैं डायरेक्टली क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये हमारे पास आ गई है पहली वैल्यू, दूसरे में क्या दिक्कत आया देखते हैं एक बार। एरर दे रहा है अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल, और अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको सब प्लॉट किया। अब इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आ गया ये रन होके, ये देखिए। तो हमारे पास अगर ये एक्स वैल्यू है, इसका अगर ऑटो कोरिलेशन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आएगी, जिसके अंदर सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी डिपेंडिंग अपॉन एक्स के अंदर क्या वैल्यू है। अगर एक्स के अंदर 4 वैल्यू है तो हमारे पास आउटपुट जो वेरिएबल आएंगे जिसके अंदर वैल्यू असाइन होगी वो 7 होगी। वैसे ही अगर वैल्यूज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आएगा। तो चलिए एक बार वैल्यू बढ़ा के देख लेते हैं, वैल्यू 5 ले लेते हैं और एक वैल्यू 10 ले लेते हैं, फिर रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ये है हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का आउटपुट। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। WS Cube Tech चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।